हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिन माता आदिशक्ति के अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित होता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदायक और भक्तों का कल्याणकारी है। इनके मस्तिष्क में अर्धचंद्राकार की आकृति होने के कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। सिंह में सवार माँ चंद्रघंटा 10 भुजाओं वाली हैं, जो सदैव युद्ध मुद्रा में अभिमुख होती हैं और सदैव भक्तों के कष्टों का निवारण करती हैं। लोकल 18 से बात करते हुए आचार्य पंकज त्रिपाठी ने बताया कि माँ चंद्रघंटा की साधना से साधक के मन को असीम शांति प्राप्त होती है। माँ की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन, दिव्य सुगंधित का अनुभव सहित विभिन्न प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं, जिसे माता के भक्त अनुभव कर सकते हैं। माता का पूजन भय से मुक्ति प्रदान करता है। तो आइए आचार्य पंकज सावरिया से ही जानते हैं कि माँ चंद्रघंटा की पूजन विधि क्या है और इनके पूजन से किन्हें लाभ मिलता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मैं पंकज सावरिया, आप सब देख रहे हैं, इस समय नवरात्रि का पर्व चल रहा है और नवरात्रि में तृतीय दिवस चंद्रघंटा माता कहलाती हैं। चंद्रघंटा माँ की पूजा बड़ी विधान से करना चाहिए और ये हम सब भक्तों के लिए बेहद कल्याणकारी हैं। माँ का स्वरूप तो सभी माँ के स्वरूप जो है वो कल्याणकारी होते हैं, लेकिन माँ चंद्रघंटा का विशेषता, क्योंकि हम सबके जीवन में कोई ना कोई कष्ट बना हुआ होता है, तो उन कष्टों को दूर करने के लिए माँ चंद्रघंटा की उपासना बहुत ही प्रमुख होती है। माँ चंद्रघंटा हमारे कष्टों को हरण करने वाली है, भय को दूर करने वाली है और माँ चंद्रघंटा का जो स्वरूप है वो युद्ध स्वरूप होता है। युद्ध के लिए माँ चंद्रघंटा 10 भुजाओं के साथ अनेक शस्त्रों को धारण किए हुए माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए, भक्तों के संकटों को दूर करने के लिए 24 घंटे तैयार रहती हैं। भक्तों के बड़ी से बड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए माँ चंद्रघंटा युद्ध करने के लिए तैयार रहती हैं। माँ चंद्रघंटा को पीले रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले तो माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए तृतीय दिवस आप जो पूर्व से ही कलश स्थापित किए हैं उसकी पूजा करें और सुंदर स्नान करवा करके माँ चंद्रघंटा को गंगा जल से स्नान करवाना चाहिए। गंगा जल से स्नान करवाने के बाद आप अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य के साथ पूजन करें और आरती उतारें। माँ चंद्रघंटा को बड़ा सुंदर भोग, दूध से बने हुए सुंदर भोग लगाना चाहिए, दूध से बने हुए व्यंजनों को चढ़ाना चाहिए। तृतीय दिवस में चंद्रघंटा स्वरूप में एक कन्या का पूजन करें और उस पर प्रार्थना करें, हे माँ चंद्रघंटा, मेरे जीवन पर, मेरे परिवार के जीवन पर आने वाले संकटों को, आप सभी भयों को, दुखों को दूर करें। इसी भाव के साथ माँ चंद्रघंटा की उपासना करना चाहिए।